अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर हजरत। आज के इस वीडियो में हम वी विल कंटिन्यू विद द सेम स्टफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही को हम लेके चल रहे हैं, एडजेक्टिव्स को। इससे पहले हमने द प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आज हम थोड़ी सी मिक्स्ड बात करेंगे, इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आ जाएंगे, कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आ जाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में देर आर सम वर्ड जो उनकी सेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा एडजेक्टिव बनता है, कभी वो क्वांटिटी शो करता है, कभी वो नंबर शो करता है। जैसे आपके सामने हैं ये अल्फाज हैं, ये उनका मीनिंग है, और फिर कुछ सेंटेंसेस हैं फॉर योर कन्वीनियंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, नो। अब नो जो है, एक तो रूटीन में हम यस नो की सेंस में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन जब नो जो है किसी चीज से पहले आए, राइट, जैसे हम कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं देयर इज नो चांस, राइट। तो यहां ये नो, व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा सिर्फ बन रही है, चांस नाउन हो गया, चीज होगी, और नो यहां बना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होंगे, जो कि तादाद शो करें, यानी कि उनके आगे कोई हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के आगे हमेशा कोई काउंटेबल नाउन होगा जिसको हम गिन सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के आगे हमेशा कोई अनकाउंटेबल चीज होगी जिसे हम गिन ना सकें, जैसे राइस, शुगर, वाटर, इस तरह की बातें। अब ये नो है तो वी कैन नॉट से वेदर इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी। दिस नंबर इसके यूज पे डिपेंड करता है, इसका लफ्जी मतलब है कोई नहीं, और ये नंबर के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, तादाद, और मिकदार या क्वांटिटी के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट का प्रैक्टिकल मीनिंग है नहीं, इन बोथ केसेस, फॉर नंबर तादाद एंड फॉर क्वांटिटी मिकदार। नेक्स्ट इज मच। हम रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑलवेज यूज फॉर क्वांटिटी, यानी कि हमेशा ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, क्वांटिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा। मैंने इसका यूज तो अक्सर लोग वैसे ही रूटीन में भी जानते हैं, इट मीन्स कई, लेकिन इट शोज नंबर, तो इसका मतलब जी कौन सा हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द नेक्स्ट इज सम। सम इन एनी, एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस टू, दे कैन बी यूज्ड इन बोथ सेंसेस, राइट। सम हमने पिछले लेक्चर में बात की कि अगर इसके आगे कोई अनकाउंटेबल चीज है, सम वाटर, सम मिल्क, सम शुगर, सम राइस, तो फिर जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। सेंस इसकी भी वही होगी कुछ, यानी कि, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्वांटिटी के साथ साथ तादाद की सेंस में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आज हम बात करेंगे। और एनी, एज वी सेड अर्लियर, ये जो है डिपेंड करता है कि इसके आगे क्या चीज़ है, जो इसके आगे कोई चीज़ है अगर वो अनकाउंटेबल है तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तो इसके आगे कोई चीज़ काउंटेबल है जिसे हम गिन सकते हैं, फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो वॉट एवर बेसिकली योर मेन कंसर्न शुड बी हाउ टू यूज देम प्रैक्टिकली, राइट। अगर आपको टेक्निकली इतना जहन में नहीं भी रहता है कौन सा एडजेक्टिव नंबर वॉट एवर, लेकिन इसका यूज कम से कम आपको आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट इज, कोई उस्ताद नहीं है। समथिंग वी से, कोई भी बंदा नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। सपोज जैसे आजकल की सिचुएशन है, तो वी स्टार्टेड विद देयर, देयर का मीनिंग कोई नहीं, जस्ट टू स्टार्ट सेंटेंस भी हम इस्तेमाल करते हैं। There is, अब इसमें एक बात भी थोड़ी सी गौर वाली है, we have used is, क्योंकि एक तो आगे वैसे भी सिंगुलर आ रहा है, राइट, और जो है जो चीज जो है वो इसमें हम सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मीनिंग क्या बना, There is no teacher, कोई उस्ताद नहीं है। There हमने वैसे लगा दिया just to make sense, is means है, no means नहीं है, teacher means उस्ताद। तो व्हाट डू यू थिंक, टीचर यहां नाउन है, वो चीज है, और नो यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर। तो जाहिर है टीचर को हम काउंट कर सकते हैं, चार टीचर्स हैं, पांच हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज वी हैव रिटन ओवर देयर, कोई पानी नहीं है, तो पानी व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा सिर्फ बन रही है, पानी काउंटेबल चीज है, अनकाउंटेबल, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब इसके पीछे जो एडजेक्टिव लगेगा वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर, क्वांटिटी। अब देखिए, देयर इज
देर इज नो वॉटर. वॉटर यहाँ नाउन है, वो चीज है, और नो यहाँ जो है वो इसके पीछे लग रहा है और ये इसकी मिकदार को शो कर रहे, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पानी को हम गिन तो नहीं सकते. क्लियर. इन द अबव एग्जांपल ये क्या था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ओवर हियर. बाज़ का दिन को एडजेक्टिव ऑफ निगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मनफी में एक चीज लेके जाते हैं. द नेक्स्ट इज नॉट. अब ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि पीपल डू मिक्स दीज टू, नो एंड नॉट. अगर आप नो का प्रैक्टिकल मीनिंग देखें तो नो का प्रैक्टिकल मीनिंग है नॉट एनी, नॉट एनी. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर कोई नहीं. जबकि नॉट का मीनिंग होता है नॉट, नहीं. तो फर्क क्या हुआ? इसमें बड़ा एक नाजुक सा पॉइंट है समझने वाला कि वेन एवर वी यूज नो तो वी डोंट यूज एनी. इट मीन्स नो क्या एनी नहीं लगता, क्योंकि नो का मीनिंग ही है नॉट एनी. जबकि हम जब भी नॉट लगाते हैं तो नॉट इज ऑलवेज फॉलोड बाय एनी. नॉट के आगे एनी लगता है, मतलब क्या हुआ, नाउ के आगे एनी लगाना गलत है और नॉट के आगे एनी ना लगाना गलत है. राइट. अक्सर आपने सुना होगा मोस्ट ऑफ अस से कि देयर इज नो एनी चांस, तो इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. द एक्सप्रेशन मस्ट बी देयर इज नॉट एनी चांस और देयर इज नो चांस. ओके. एनीवे द एग्जांपल इज कोई टीचर नहीं है, तो हमने कहा देयर इज नॉट एनी. नॉट एनी इज इक्वल टू नो. There is not any and then teacher. Got some idea? Okay. The next is koi pani nahi hai. Aur isme in this example, what do you think? Ye teacher countable hai. To isliye ye adjective of ye not any jo hai, ye not jo hai kisko show kar raha hai? Tadad ko, miqdar ko, tadad ko. Ye hua yahan adjective of number. There is not any water. Next example mein koi pani nahi hai. To yahan kya ban raha? वॉटर जाहिर अनकाउंटेबल है, देर इज नॉट एनी वॉटर, इसमें पानी कोई नहीं है. तो यहाँ पे नॉट क्या है, एग्जिव ऑफ क्वान्टिटी. तो नॉट के आगे हमने एनी लगाया है, लेकिन अगर फर्ज के इसी बात को हम नो से कहें तो हम कहेंगे देर इज नो वॉटर. राइट. दिस पॉइंट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन, इसको थोड़ा समझें. द नेक्स्ट इज मच. मच इज यूज फॉर मिकदार और क्वान्टिटी. जब हम कहते हैं फलां चीज काफी है, और इसके आगे भी हमेशा कोई अनकाउंटेबल चीज आएगी. ठीक. मिल्क, वाटर, वॉट एवर. इफ यू से काफी पानी है, इट मीन्स खासा पानी है, तो वी से देर इज मच वॉटर. वी कैन नेवर से देर इज मेनी वॉटर, देर इज वेरी वॉटर, देर इज मच वॉटर, मीन इट्स क्वांटिटी ऑफ दैट. ओके. सपोज यू से देर इज मच चांस, कि काफी ज्यादा चांस है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कई एक उस्ताद हैं, जाहिर है उस्ताद काउंटेबल हैं, तो वी आर सेइंग देर आर मैनी टीचर. मैनी काउंटेबल है, इसका यूज आप जानते ही हैं. इसकी इसलिए हमने, अब इसमें एक पॉइंट नोटेबल ये है कि ऊपर हमने एज लगाया है, हम आर लगा रहे हैं, क्योंकि जो चीज अनकाउंटेबल है वो सिंगुलर कटाइज देती है, और जो चीज काउंटेबल हो जैसे कि टीचर्स हैं तो जैसे वो जमा कटाइज देंगे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर, देयर आर मैनी टीचर्स. द नेक्स्ट इज सम. सम जैसे हमने पहले भी कहा कि देर इज सम वॉटर, तो ये तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में बात हुई कि यहाँ ये बन गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. राइट. कुछ पानी है, और इफ यू से कुछ उस्ताद हैं तो देर आर सम टीचर्स. तो अब इसमें बताइए कि सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि नहीं, नहीं है. यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि टीचर्स आर काउंटेबल, और वी हैव यूज्ड आर ओवर हियर जस्ट टू मेंटेन दिस थिंग कि ये आगे टीचर्स चूंकि ज्यादा है इसलिए हमने आर लगाया. काउंटेबल चीज में चीज हो सकती है. द लास्ट एग्जाम्पल इज एनी. एनी हमने पहले भी बात की है इसको, इस हवाले से कि हम इसको कोई के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, इन सम केसेस फॉर क्वांटिटी, इन सम केसेस फॉर नंबर. क्वांटिटी के लिए हमने पहले भी बात की कि इसके आगे फिर वो सिंगुलर नाउन होगा, कोई पानी नहीं है तो इसे देयर इज, वही सिंगुलर आर है, नॉट एनी वॉटर. Or in a way we can say there is no water. Iski bajaye no is equal to not any. There is not any water. Koi pani nahi hai. To yahan not kya ban raha hai? Adjective of number or quantity? Quantity obviously, because it is by referring to water. To koi ustad nahi hai. There are not any teachers. Right?
यहाँ आप व्हाट डू यू थिंक कि नॉट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या क्वांटिटी है? तो ऑब्वियसली टीचर्स आर काउंटेबल, सो यहाँ पे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, राइट? इट मीन्स इट डिपेंड, इसका यूज और इसका यूज डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या ले रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है, सेम इज द केस विद एनी। तो दिस इज अ लिटिल बिट आइडिया, नो मीन्स नो एंड इट इज इक्वल टू नॉट एनी। नॉट, वेन वी यूज नॉट तो वी नेवर यूज एनी, इट्स अ वेरी ग्लेरिंग मिस्टेक, वेरी कॉमन वन बट वेरी सीरियस, मच यूज फॉर क्वांटिटी, सो इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Many used for number, so it's adjective of number. And some and any can be used both ways. In some cases for adjectives of quantity, and in some cases for adjectives of number. So this is the story for, inshallah, for today. It's fine. Inshallah, see you in the next lecture. Thank you very much.